अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सीन थोड़े इस तरह है कि हाथ लग गया है 1 to 5, वो भी 5 gears वाला जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। खैर मैं तो वीडियो बनाने वाला लेट होऊंगा, तो 48 किलोमीटर टोटल चली है। और खैर अब टाइम वेस्ट ना करते हुए टैंकी से स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्पेशल एडिशन, जैसे आपको पता चल रहा है क्रोम टापे हैं इसमें। अब इस टापों को क्या, ये जो बॉडी कलर में से प्रिंग्स आते हैं, ऊपर कैप्स आते हैं, या खैर क्रोम कर दिए हैं। जद्दी पुश्ती जो इशारे आ रहे हैं वो सो आ रहे हैं। बैक लाइट वही जद्दी पुश्ती, सिलेंसर वही जद्दी पुश्ती। अच्छा हाँ, सिलेंसर में थोड़े चेंजिंग यूँ है कि थोड़ा सा इसका साउंड का फ़र्क आ गया है। इंजन वही है, मगर कहने में आता है कि इसमें डीलक्स का इंजन है, मगर मुझे जहाँ तक लगता है। और प्राइस खैर सामने आपके, बाहर क्रोम का बहुत ज़्यादा वर्क है। अच्छा, इसका एक्सल मुझे पहले से बड़ा लगा है, आगे पीछे दोनों, तो ये एक अच्छी चीज़ है। खैर अगर डिस्क दे देते तो इनका एहसान था, क्योंकि जितनी की बाइक है डिस्क भी आ सकती थी। बस सारा कुछ जद्दी पुश्ती जैसे चल रहा है, वही क्रोम टापे। खैर वो चीज़ नहीं है, ये सलफ का सारा सिस्टम जो न्यू एड हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे है, A to Z सेम है। मगर इसमें सिर्फ एक गियर अप हो गया है, और अगर मैं आपको हैंडल पे आ जाऊं तो इसमें सब कुछ यहाँ चेंज हो चुका है। फर्स्ट इसके अंदर 3 ऑप्शंस आ गए हैं लाइट्स के। फर्स्ट जो आप ट्रिप करोगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे सलफ का आ गया, बस खाली जगह हो गई है। अच्छा, इसके अंदर ये डिपर के ऑप्शंस हैं, और ये फर्स्ट क्लिक और सेकेंड क्लिक। फर्स्ट क्लिक पर आपके मीटर की लाइट्स होंगी, और जो इशारों का सीन है वो सेम टू सेम एज ए YBR कर दिया गया। और बाकी फ्यूल गेज दे देते तो एहसान था, नहीं दिया तो कुछ कह नहीं सकते। ये नॉर्मल से इसकी चाबी, बाकी कंप्लीट वही जद्दी पुश्ती 1 to 5, वही मैं था होंडा ही लेना।